हेलो एवरीवन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल्स और आज हम करने वाले हैं क्लास एट कौन इंग्लिश कोर्स बुक के चैप्टर नंबर नाइन द स्टैंप एल्बम का सेकंड पार्ट हाँ शो अस वन ही हैज़ अरे हमें ऐसा एक स्टैंप दिखाओ जो उसके पास नहीं है यू शो मी वन आई हैव एंट बोला तुम मुझे दिखाओ जो मेरे पास नहीं है योर एल्बम इज़ फिट only फॉर द डस्टबिन तुम्हारी एल्बम कूड़े में डालने के काबिल है Taunted क्रिश्न कृष्णन ने तंज किया एंड द boys chanted. और लड़के ज़ोर जोर से बोलने लगे Garbage एल्बम garbage एल्बम कूड़ा एल्बम कूड़ा एल्बम राजपा रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ continuing द आर्गूमेंट राजप्पा को लगा कि बहस करना बेकार है हाउ लॉन्ग हैड इट टेकन हिम टू बिल्ड his स्टैम्प कलेक्शन कितना समय लगा उसे इस स्टैम्प एल्बम को बनाने में और स्टैम्प्स को कलेक्ट करने में ही हैड बिल्ट इट stamp by स्टैंप एंड देन the हैड had दिस एल्बम फ्रॉम सिंगापुर Singapore overnight एंड नागराजन हैड बिकम ऑल important. उसने इस्ट स्टैंप इस इस बाई स्टैंप यानी एक एक स्टैंप करके उसने इस एल्बम को बनाया था और पोस्टमैन एक रात को एक एल्बम ले आता है और रातों रात, और रात सिंगापुर से एक एल्बम ले आता है और रातों और रात नागराजन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है लड़के द बॉयज़ डिडेंट नो द डिफरेंस बिटवीन द टू एल्बम्स इन दो एल्बम्स के बीच में जो भिन्नता है डिफरेंस है उसे नहीं समझेंगे And no amount of explaining would make the slightest difference. और उन्हें explain करने से कोई भी जरा सा भी मसला हल होने वाला नहीं है राजप्पा रेज्ड विदिन राजप्पा को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था he began to hate going to school. उसने school जाने से उसे नफरत होने लगी How was he to face the boys? वो लड़कों का सामना कैसे करेगा यूजअली ऑन सैटरडेज एंड संडेज़ ही हैक्टिकली स्टैम्प हंटेड, बट दिस वीकेंड ही बेयरली स्टर्ड आउट ऑफ़ द हाउस अक्सर करके सैटरडे और संडे को वो पागलों की तरह इस्टैम्प हंटेड, यानी स्टैम्प की तलाश में इधर उधर जाता था लेकिन इस वीकेंड पे वो मुश्किल से घर बाहर से घर से बाहर निकला यूजली नॉट अ डे पास विदाउट हीज टर्निंग द पेज ऑफ हिज एल्बम ओवर एंड ओवर अगेन अक्सर वो अपनी एल्बम के पेजेस को बार बार पलट कर देखा करता था इवन एट नाइट ही वुड स्नीक आउट ऑफ बेड टू लुक एट द एल्बम यहाँ तक कि वो रात को भी निकल कर के बिस्तर से और अपनी एल्बम को देखा करता था बट टू डेज़ हैड पास्ट एंड ही हैड नॉट टचड इट लेकिन दो दिन गुजर गए उसने बिल्कुल भी इसे खोलकर नहीं देखा द साइट ऑफ दिस द साइट ऑफ इट फील्ड इम विद एंगर इसकी तरफ देखना ही उसे गुस्से से भर देता था कॉम्पेयर टू नागराजन्स हिज एल्बम नाउ सीम्ड अ बंडल ऑफ रैग्स नागराजन की एल्बम के कंपैरिजन में उसकी एल्बम एक अब कूड़ा बन गई थी इन द इवनिंग राजप्पा वेंट टू तो नागराजन्स हाउस शाम में राजप्पा नागराजन के घर पे गया ही हैड मेड अप हिज माइंड ही कूडेंट पुट अप विद हिज इग्नोमिनी एनी लॉन्गर उसने तय कर लिया था कि वह अपनी बेजती ज़्यादा और लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करेगा आफ्टरऑल नागराजन हैड ओनली जस्ट चांस अपॉन द स्टैंप एल्बम नागराजन को तो बाई चांस इतफाक से यह एल्बम मिल गई है वॉट डिड यू नो ऑफ द मिस्ट्रीज ऑफ स्टैम्प कलेक्टिंग वो क्या जाने स्टैम्प कलेक्टिंग की स्टैम्प को कलेक्ट करने का रहस्य ऑफ हाउ और हाउ द एक्सपर्ट्स इवेल्यूट डैम और किस तरह से एक्सपर्ट expert, एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो स्टैंप्स uh, को किस तरह से महत्व देते हैं ही प्रोबेबली बिलीव्ड दैट द बिगर द स्टैंप द मोर वैल्यूएबल इट वॉज वो तो सिर्फ इतना जानता है कि जितना बड़ा स्टैंप है उतनी ज़्यादा वैल्यू का है और वन फ्राम अ पावरफुल कंट्री वॉज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन वन फ्राम अ वीकर कंट्री और एक पावरफुल कंट्री का स्टैम्प जो है वो ज़्यादा मायने रखता है एक वीकर कमज़ोर कंट्री के मुकाबले में आफ्टर ऑल नागराजन वॉज ओनली एन अमेच्योर नागराजन अभी सीखिया है राजप्पा कुड ईजीली वैल्यूएबल स्टैम्प टू हिम एंड वॉक अवे विद द गुड वंस राजप्पा आसानी से उसे कम वैल्यू का स्टैम्प देकर उससे ज़्यादा वैल्यू का स्टैम्प ले सकता था ही हैड फुल्ड मैनी अदर्स बिफोर उसने इससे पहले भी बहुतों का बेवकूफ बनाया है द वर्ल्ड ऑफ स्टैम्प कलेक्टिंग वॉज राइफ विद कनिंग एंड ट्रिकी एंड नागराजन वॉज ओनली अगिनिर द वर्ल्ड ऑफ स्टैम्प कलेक्टिंग स्टैम्प कलेक्टिंग की दुनिया जो है राइफ फुल ऑफ भरी पड़ी है विद कनिंग चालाकी से और चतुराई से और नागराजन अभी केवल एक बिगनर है यानी शु नौसी किया है राजप्पा वेंट स्ट्रेट अपेयर्स टू तो नागराजन रूम राजप्प्पा सीधा नागराजन के कमरे में चला गया नो वन स्टॉप टीम फोर ही वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू द हाउस उसे किसी ने नहीं रोका क्योंकि वो अक्सर नागराजन के घर जाया करता था राजप्पा सेट डाउन एट नागराजन्स डेस्क राजा नागराजन की डेस्क पर बैठ गया अ लिटिल लेटर नागराजन्स यंगर सिस्टर कामाक्षी थोड़ी देर बाद नागराजन की जो छोटी बहन थी कामाक्षी वो आई केम इन अंदर आई माई ब्रदर हैज़ गोन टू टाउन मेरे भैया कस्बे में गए हैं शी सेड हैव यू सीन हीज न्यू एल्बम क्या तुमने उनकी नई एल्बम देखी है राजप्पा मबल्ड समथिंग अन इंटेलिजिबल राजपा मुंह ही मुँह में बुदबुदाया जिसे समझा नहीं जा सका इट इज़ अ रियल ब्यूटी इट इज़ अ रियल ब्यूटी ये वास्तव में बहुत सुंदर है इजेंट इट क्या नहीं है आई बिलीव ऑन आई बिलीव नो वन एल्स इन स्कूल हैज वन लाइक इट मेरा ऐसा विश्वास है कि स्कूल में और किसी के पास ऐसी एल्बम नहीं है वो सेट देट राजा ने पूछा किसने कहा तुम्हें माई ब्रदर कामाक्षी ने जवाब दिया मेरे भाई ने इट इज़ जस्ट अ बिग एल्बम नो मोर यह केवल एक बड़ी एल्बम है इसके अलावा और कुछ नहीं इज़ इट इनफ टू बी मीयरली ओवर साइज़ क्या इतना काफ़ी है कि साइज़ में बड़ा होना महत्वपूर्ण होता है कामाक्षी डिडेंट रिप्लाई एंड वॉकड ऑफ कामाक्षी ने जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से चली गई राजप्पा स्कैंड द बुक्स लिटर्ड ऑन द टेबल राजा ने उलट पुलट कर देखा जो किताबें वहाँ टेबल पर पड़ी हुई थी हिज हैंड ग्रेज अगेंस्ट द लॉक ऑफ द टेबल ड्रॉर टेबल ड्रॉर के जो लॉक लगा हुआ था उस लॉक पे उसका उसकी स्किन उसका हाथ टकराया द टेबल ड्रॉर ऑल ऑलमोस्ट इन्वॉल्टरिली ही टक डाइटिट लगभग अचानक से यानी बिना उसकी अपनी इच्छा के इनवॉल्टरिली ही टगड एट इट वो इसमें घुस गया इट वॉज़ फॉर्मली लॉक्ड ये दृढ़तापूर्वक लगाया गया लॉक था वाई नॉट ओपन इट इसे क्यों ना खोलूँ द की ले अमंग द बुक्स जबकि चाबी जो है वहीं किताबों के बीचों पड़ी हुई थी शाबी वहीं किताबों के बीच में पड़ी हुई थी राजप्पा वेंट ओवर टू द स्टेयर केस एंड ग्लांस अराउंड राजप्पा ने इधर उधर राजप्पा सीढ़ियों तक गया और उसने इधर उधर देखा नोवन वॉज इन साइट कोई भी वहाँ नहीं था ही ओपन द ड्रॉर उसने दरवाज़ा खोला नागराजन स्टैम्प एल्बम वॉज राइट ऑन टॉप नागराजन की जो स्टैम्प एल्बम थी वो ठीक ऊपर रखी हुई थी राजप्पा टर्न ओवर द फर्स्ट पेज राजप्पा ने पहला पेज खोला एंड रीड द एस्क्रिप्शन और उस पर लिखी हुई बात पढ़ी हिज हार्ट बिगेन टू पाउंड उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा ही क्लोज द ड्रॉर एंड लॉक डिट उसने दरवा उस ड्रॉर को बंद कर दिया और ताला लगा दिया ही थ्रस द एल्बम इन टू हिज शॉर्ट्स उसने एल्बम को अपने शॉर्ट्स में ठूसा एंड लेट दिस लेट हिज शर्ट फॉल ओवर इट और अपनी शर्ट को उसके ऊपर डाल दिया छिपा लिया ही हरी डाउन द स्टेप्स एंड ड्रेन होम वो वहाँ से तेजी से नीचे उतरा और घर की ओर भाग पड़ा ऑन रीचिंग होम घर पहुँच कर ही हिट द एल्बम बिहाइंड हिज बुक शेल्फ उसने एल्बम को अपनी बुक शेल्फ के पीछे छिपा दिया हिज बॉडी फेल्ट एज दो इट वॉज ऑन फायर ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर मानो जल रहा हो हिज थ्रोट वॉज ड्राई उसका गला सूखा था एंड ब्लड पाउंडेड इन हिज हेड और ब्लड जो है उसके सिर में धड़क रहा था फ़ाइनली एट एट इन द इवनिंग आखिरकार शाम को आठ बजे अप्पू हु लिव्ड अपोजिट हिम जो उसके घर के सामने रहता था के एम एंड टोल्ड राजा दैट नागराजन स्टैम्प एल्बम वॉज मिसिंग उसने नागरा उसने राजप्पा को बताया कि नागराजन की स्टैम्प एल्बम खो गई है नागराजन एंड ही हैड गाउन टू द टाउन इन द इवनिंग एंड वन दे रि द एल्बम वॉज गोन नागराजन और वो शाम को कस्बे में गए हुए थे और जब वो वापस लौटे तो एल्बम वहाँ पर नहीं थी राज्यपा डिडेंट अटरवर राजप्पा ने एक भी शब्द नहीं बोला ही प्रेड देट अपू वुड गो अवे उसने प्रार्थना की कि अपू वहाँ से चला जाए एंड वैन अपू डिड गो अवे और जब अपू वहाँ से चला गया ही हरी टू हिज रूम एंड बोल्टेड द डोर वो जल्दी से अपने कमरे में पहुँचा और उसने अंदर से कुंडी लगा ली ही टुक आउट द एल्बम फ्रॉम बिहाइंड द शेल्फ़ और उसने शेल्फ के पीछे से एल्बम को निकाला इज़ हैंड फ्रोज उसके हाथ जम रहे थे वॉट इफ समी वॉज वॉचिंग फ्रॉम द विंडो क्या हो अगर कोई मान लो खिड़की से ही देख रहा हो ही शोड द एल्बम बैक बिहाइंड द शेल्फ उसने वापस फिर से एल्बम को शेल्फ के पीछे रख दिया राजप्पा हार्डली टच इज डिनर राजप्पा ने मुश्किल से ही डिनर टच किया द फैमिली वॉज कंसर्न एंड आस्क इफ़ ही वॉज फीलिंग अनवेल फैमिली जो है वो बहुत ही चिंतित हुई और उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो ठीक महसूस नहीं कर रहा है मे बी स्लीप वुड ब्रिंग पीस शायद नींद से उसे कुछ शांति मिल जाए राजा ले डाउन ऑन हिस बेड राजप्पा अपने बेड पर लेट गया बट स्लीप एल यू डिम लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी वॉट इफ़ सम्बडी स्टम्बल्ड अपॉन द हिडन एल्बम वाइल्ड ही वॉज अ स्लीप क्या हो अगर जब वो सोया हुआ हो और सोते टाइम पे कोई आके एल्बम निकाल ले ही गॉट अप वो उठा टूक आउट द एलबम एंड पुट इट अंडर इज पिलो उसने एल्बम को उठाकर अपने तकिये के नीचे रख लिया राजा हैड एंड वोकन अपन अपू अपियर इन द मॉर्निंग राजप्प्पा सोकर भी नहीं उठाता जब अपू सुबह में आ गया अपू हैड जस्ट बीन टू नागराजन अगेन अपू नागराजन से अगले ही घर में सॉरी अपू नागराजन के घर फिर से गया था आई एम टोल्ड यू वर एट हीज हाउस यस्टरडे मैंने आप मैंने तुम्हें बताया था कि मैं उसके घर गया था कल सॉरी आई एम टोल्ड यू वर एट हिज हाउस येस्टरडे मुझे बताया कि तू कल शाम तुम उसके घर गए थे राजप्पा फेल्ट हिज हार्ट सिंक राजप्पा को लगा कि उसका दिल डूबने वाला है ही गेव ए नॉन कमिटल नॉट उसने कोई भी कमेंट करते हुए बिना बोले सिर हिलाया कामाक्षी सेज़ यूर द ओनली वन टू कॉल एट द हाउस वाइल नागराजन एंड आई हैड ग डाउन टू टाउन कामाक्षी ने बताया कि एकमात्र तुम ही उस समय वहाँ उनके घर गए थे जब मैं और नागराजन कस्बे में गए हुए थे राजप्पा डिटेक्टेड द सस्पिशन इन अपूज टोन राजप्पा को अपू की टोन में शक महसूस हुआ रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू